लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं मेरे को जान से मारने के, और मेरे बड़े भाई और उसकी बीवी का कहना ये है तेरे को जान से मार देते हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद गौस है, मैं एक पेशे से एक रिपोर्टर हूँ। मैं अभी फलकनुमा पीएस लिमिट में अभी मेरे बड़े भाई के खिलाफ एक कंप्लेंट डाला हूँ। ऑलरेडी ये 2021 से केस चल रहा है, मेरे ऊपर ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, हरासमेंट कर रहे हैं मेरे साथ। ये प्रॉपर्टी को लेकर इश्यू चल रहा, मेरे बड़े भाई HMWSSB में वाटर वर्क डिपार्टमेंट में एज ए अटेंडर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये प्रॉपर्टी को लेकर इश्यू चल रहा। मेरे बड़े भाई का नाम सैयद रफीक है, जो HMWSSB में अटेंडर का जॉब करते हैं। इन्हों 99 में जॉब पे चढ़े थे, जॉब पे चढ़ने से पहले मेरे को एक डिक्लेरेशन दिए थे कि मेरे को जॉब मेरे को मिल गई, मेरा ये प्रॉपर्टी में अमल दखल कुछ भी नहीं है बोल के बोले थे। फिर जॉब मिली थी आपके भाई को? बड़े भाई को जॉब मिली थी, मेरे वाली साहब की जॉब मिली थी। मेरे वाली साहब जॉब सर्विस पे उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद हम लोग माइनर थे, तो माइनर रहने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, हमारे को डरा के धमका के माइनर बच्चों से सिग्नेचर ले लिए थे। लोग माइनर बच्चों के सिग्नेचर एक्सेप्ट होते क्या? हम अंडर 18 थे, मेरे छोटे भाई तो 10 साल 6 साल के भी थे। उसके बाद इन्हों अनपढ़ जाहिल, इनको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, इन्हों जाली सर्टिफिकेट लगा के करके हमको टॉर्चर करके इन्हों जॉब ले लिए। जॉब लेके फिर हमको डिक्लेरेशन दिए कि भाई मेरा प्रॉपर्टी में अमल दखल नहीं है, मैं जॉब ले लिया और ग्रेजुएटी यूज़ कर लिया, मेरा प्रॉपर्टी में अमल दखल नहीं है बोले। फिर 2016 में मेरे को एक नोटरी बना के दिए, नोटरी में लिखे दिए भाई मेरे को जॉब मिल गई मेरे वाली साहब की। अब मेरा जो शेयर बनता है मैं सैयद गौस को दे दे रहा हूँ, क्योंकि जॉब सैयद गौस को होने का था। कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं टोटल। आपके वाले की प्रॉपर्टी थी, चारों में बटी थी? चारों में नहीं, तीनों में बटी थी। बड़े भाई तो जॉब ले लिए थे, जॉब ले लिए थे, प्रॉपर्टी तीनों में बटी थी। दो भाई हैं, उन लोगों को उनको डिवाइड करके दे दिया, उन लोगों का सुकून में है, उन लोगों का वो नहीं है। और उन लोग एज ए गार्डियन रहने की वजह से ना कोई भाई को पढ़ाए, ना कोई बहन की शादी करे, ना किसी को कुछ। मैं मेरे दो बहनों की शादी करा, मेरे छोटे भाई की शादी करा, मेरा सेल्फ भाई शादी कर लिया। सो ये फैसले से आपके जो दूसरे दो भाई है जी, जो दूसरे दो भाई उन लोगों को इत्तेफाक था इससे? यहाँ बड़े भाई को, दोनों छोटे भाइयों भी इनके खिलाफ में, वो भाइयों को भी टॉर्चर करे इसे लोग, वो भाइयों को ना पढ़ाई लिखाए, ना भाइयों की शादी करे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है 2021 में यहाँ पे मेरे ऐसा हुआ था, प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, मेरे बड़े भाई बोले मेरे को भाई मेरे जवान बच्चियाँ हैं, मेरे को इधर उधर फिरना नहीं होता, तो ग्राउंड फ्लोर में मेरे को बनाने के ऐसे जगह दे दो, 15 लाख रुपए आपको दे दो बोले। मैं बड़ा भाई है बोल के मैं भरोसा करा तो रजिस्ट्री में मेंशन कर लिए। अब मैं पैसे मंगना इनसे चालू करा, भाई आप 15 लाख रुपए मेरे को देते बोले, पैसे दिए बोले, तो इन्होंने इनके बीवी के ऊपर क्या करे, मैं उनके ऊपर अटैक करा बोल के फलकनुमा पीएस लिमिट में फाल केस बुक करे। तो मैं पीएस में आया, जब मेरे को बुलाए फाल केस बुक करे बोला, तो मैं सर्कल साहब से एक ही बात करा भाई, जब मैं इनकी बीवी के ऊपर अटैक कराने पर मेरे ऊपर फाल केस करे तो आप इनका एमएलसी कराओ बोलते, एमएलसी नहीं कराए वो लोग। जब मेरे को हमेशा टॉर्चर करते रहते, मेरे को जम्बिया बताते मानने क्या से, मेरे घर के जब पुलिस आना जाना चालू हो गई, मेरे घर के सामने एक मेनल था डेनिश का मेनल में जम्बिया लिखना मेरे गेट के सामने, तो गली के लोग आ देखे, पुलिस वालों को बुला के बोले जम्बिया निकाल के लेके गए फलकनुमा पीएस के, मगर उसके ऊपर ना कंप्लेन भी ना उसकी तहकीकात भी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे को रात के 2 बजे भी फ़ोन आता, 3 बजे भी फ़ोन आता, मैं अकेला निकल जाता हूँ। कुछ लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं मेरे को जान से मार लेके, और मेरे बड़े भाई और उसकी बीवी का कहना ये है तेरे को जान से मार देते हम लोग, हमारे को प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दे, जान से मारने लगाते, हमारे पूरा पीएस मैनेज करे हुए बोले लोग। बात अब्ता मैं अब तक 8 से 10 मरतबा फलकनुमा पीएस में कंप्लेन करा, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की तरफ से आ रहे, इंक्वायरी कर रहे, काउंसलिंग कर रहे, भिजा दे रहे, सिविल मैटर है, कोर्ट को जाओ बोल रहे। अरे जब मेरा मर्डर हो, सिविल मैटर हो में मर्डर हो रहे, जब मेरा मर्डर हो के बाद क्या करेंगे ये लोग? सिविल मैटर था बोल के छोड़ देंगे, मेरी वाइफ के ऊपर हमला करे लोग, जान को धोखा है। और इस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा मेडिसिन ऑलरेडी, मैं बगैर मेडिसिन के नहीं रह सकता हूँ। डॉक्टर्स का कहना ये है अगर आप ज़्यादा सोचेंगे आपके दिमाग तरह का फट जाएंगे, या ना तो आपका हार्ट फेल हो सकता है, डॉक्टर्स का कहना है। और मेरी वाइफ के ऊपर हमला करे ये लोग, मेरे वाइफ के ऊपर हमला करे, तो फलकनुमा पीएस में मैं आके कंप्लेन करा, यहाँ पे कंप्लेन नहीं लिए, तो मैं क्रिमिनल कोर्ट को जाके प्राइवेट कंप्लेन करा, मैं ये लोग के ऊपर प्राइवेट कंप्लेन करा। उसके बाद भी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऊपर प्राइवेट कंप्लेन करे बाद अभी तक जॉब पे है, जो उनके जो ऑफिस है HMWSSB वहाँ पर भी जाके इनके DM को मैं नोटिस दिया हूँ कि इलीगल सर्टिफिकेट लगा के जॉब कराइए बोले, तो वहाँ पर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं रिपोर्टर के साथ क्या हो रहा, रिसेंटली राजेंद्र नगर में सिविल मैटर में एक रिपोर्टर का मर्डर हो गया, रेन बाजार पीएस लिमिट में
रिपोर्टर के ऊपर गैंग अटैक हुआ, तो जब मेरा मर्डर हो जाएगा या मेरा एक्सीडेंट में मेरे को मार देंगे या मेरे को बोल रहे कहीं कुछ जी रहा तू सुसाइड कर ले हैंगिंग कर ले या अपने आप को जला ले बोल रहे, जब मेरे ऊपर जब एक्शन लेंगे क्या? तो मेरी HMW SSB के डिपार्टमेंट से गुजारिश है, इसकी तहकीकात करो, इसके जो जाली सर्टिफिकेट है उसकी तहकीकात करो, और फलकनुमा PS से गुजारिश है सही तरीके से तहकीकात करो। वो लोग मेरे को ओपन बोल रहे, वो फलकनुमा PS लिमिट कुछ नहीं करती, हम पैसे खिलाए हुए, जब फलकनुमा में ये लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, इनके साथ तीन तीन वकील आते हैं, मेरे को वेटिंग हॉल में बिठाते, ये लोग को बाजू बिठा के हंसी मजाक कर लेते, बात करते क्यों? मैं अब तक अननोन पर्सन बन के यहाँ पे सिविल आदमी बन गया, मैं अपना आइडेंटिफाई ने बताया कि मैं रिपोर्टर हूँ बोल के, जब रिपोर्टर सेफ नहीं है तो आम पब्लिक कहाँ से सेफ होंगी ये बताइए। खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, अगर कल के दिन मैं मेरा मर्डर हो गया या मैं एक्सीडेंट हो गया या मैं सुसाइड कर लिया हैंगिंग कर लिया या नेचुरल मौत भी मरूंगा, तो इसके जिम्मेदार मेरा बड़ा भाई, उसकी बीवी और उसके लोग रहेंगे। मेरे को तीन बच्चे हैं, मेरे बच्चों को भी मारते बोल के वार्निंग दे रहे, मेरी बीवी को गर्दन पे जंबिया रखे, जंबिया रखे बोल रहे तेरे शौहर को मारे नाम पे प्रॉपर्टी रख दे बोल के अटैक करे, वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, ये लोग पेशी अटेंड कर रहे हैं, अभी मैं हाई कोर्ट में डाले हुआ हूँ, सिटी सिविल कोर्ट में डाले हुआ हूँ, क्रिमिनल कोर्ट में डाले हुआ हूँ ऑलरेडी। प्रॉपर्टी किसके नाम पे? प्रॉपर्टी मेरे को पैसे देते बोल के बोले, ये लोग 15 लाख देते बोल के बोले, प्रॉपर्टी अभी एनजी पार्टीशन शूट हुआ, मेरे नाम पे भी प्रॉपर्टी है, इनके नाम पे भी प्रॉपर्टी है, मेरा आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दे रहे, पूरा सामान हटाओ बोले, तो मेरे को बड़ा भाई जम्बिया बता रहा, देख रहा है ये ज़्यादा कुछ बोला तो गला काट के फेंकता हूँ तेरा, तेरे बच्चे समझ लिया प्रॉपर्टी को लोग देख जान को देख, फोटो वीडियो कुछ है? मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस दे सकता हूँ मैं आपको, 99 से लेकर 2022 से एविडेंस दे सकता हूँ मैं आपको, हर वो चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। जो बता रहे हैं बोले आप उसका कुछ एविडेंस है? वो घर में कैसा रहेंगे बताइए आप, मेरे को अटैक करने के वास्ते मेरे बीवी बच्चे जब ससुराल को जाते हैं, मैं अकेला आ रहा था, मैं पेशेंट हूँ, गेट को लॉक करके मेरे को अटैक करने आया, मैं भाग के ऊपर टेरिस पे जाके डोर लॉक कर लिया, लॉक करके नहीं डोर को लॉक कर लिया, डोर को लॉक कर लेके डायल 100 करके फोन करके बुलाया हमें, तो फलकनुमा के PS आए नीचे, हमारी बड़े भाई की बीवी से क्या बातचीत हो गई कि क्या आएगी, मैं कंप्लेन करके बुलाया तो मेरे को लेके जाते हैं यार, जिसके नाम पे कंप्लेन, पुलिस वाले मेरे को लेके आए गाड़ी में बिठा के लाके मेरा फोन वोन जिसके लॉकअप में बिठा दिए, तो एक तरफ आया कार्रवाई हो रही है, यह हो सकता है पैसे के जोर पर कार्रवाई हो रही है। डायल 100 करके मैं बुलाया तो मेरे को गाड़ी में बिठा के लेके आए, लॉकअप में 2 से 3 घंटे बिठाया है, फोन खींच लिए, अब हमारी भावा बड़ा भाई क्या बोल रहा, तू कंप्लेन करा पुलिस वाले तेरे को लेके हमारा क्या उखाड़ लिए, तू कुछ नहीं कर ले सकता, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं हुकूमत से ये चाह रहा हूँ, मेरे को इंसाफ होना और हक होना, मैं इंसाफ मेरे को फलकनुमा से तो इंसाफ की जरूरत भी नहीं है, मेरे को मेरा जो हक है मेरे को होना, मैं इंसाफ इनसे कहीं को मारूंगा, मेरा जो हक है मेरे को होना। 62 पॉइंट मेरे दोनों भाइयों को हो गया, 62 पॉइंट मेरे नाम पे है और 2016 में मेरे नाम पे नोटरी है, 99 का डिक्लेरेशन है, उसके बाद ये मेरे से रजिस्ट्री करा लिया धोखा देके। नवाब साहब कुंडा संजय गांधी नगर में मेरी प्रॉपर्टी है, बांसरगंज में से आपके भाई अगर खोल भी दिए नौकरी लेके तो वो हिस्से में से आपके दो भाई भी मंगेंगे, और भाई भी मंगेंगे ना, मैं डिवाइडेड बाई 3 करने को तैयार हूँ, मैं मेरे भाइयों को भी हक मिल गया तो बस डिवाइडेड बाई 3 हो लो, कौन से भाई को कुछ नहीं करे लो, और मेरे को जान का खतरा है बार बार बोल रहा हूँ, और मैं पेशेंट हूँ, मैं आपको पूरे रिपोर्ट्स बता सकता हूँ, गांधी हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है, उस्मानिया का भी हेल्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास, उस्मानिया का डॉक्टर बोले अगर ज़्यादा सोचेंगे आप तो आपके ब्रेन के रेगा डैमेज होते या आपका हार्ट फेल हो जाता, मेरे को इतना हरासमेंट करे टॉर्चर करे तो क्या करूँ मैं। अपनी सेहत का रखे ख्याल, मोटापे से छुटकारा पाए और खूबसूरत नजर आए, MHB स्लिम पाउडर रोजाना इस्तेमाल करने से वजन को कम किया जा सकता है, वो भी किफायती दामों में। अपने चेहरे पर चमक धमक और निखार लाने के लिए MS फेस ग्लो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, इसको खवातीन व मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के अमराज और एसिडिटी से बचने के लिए MS कार्डियो सेव विनेगर का इस्तेमाल से आप सेहतमंद रहेंगे। ये GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो तमाम मेडिकल शॉप्स व दवासाज पर दस्तयाब है। MS हर्बल लेबोरेटरीज का कॉन्टैक्ट नंबर है 8297158387, फिर एक बार सुनिए 8297158387। आप हमें इस पर ऑर्डर भी कर सकते हैं।